इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपके लिए रखे गए हैं, नोट्स कॉम्पैक्ट इतने रखे हुए हैं, मात्र 3 से 4 पेजेस में आपका पूरा पूरा चैप्टर कवर हो रहा होगा और मात्र 20 मिनट में आपका पूरा पूरा वन शॉट हो जाएगा और पूरा पूरा आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सर, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 दैट इज फाइल हैंडलिंग के बारे में। सो यार, ये रिवीजन वीडियो होने वाली है, वन शॉट वीडियो। सो इस वीडियो में बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से पूरा क्लास 11 क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में यार वीडियो पूरी होने वाली है और 20 मिनट के अंदर आपके फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट हो जाने वाले हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंडिंग तक बने रहना है और ये वाली जो क्लास 11 की रैपिड डिवीजन वाली सीरीज है, इससे जुड़ने के लिए नीचे मेरा नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर वीडियो पसंद आए। ओके, तो चलो मैं ले जाता हूँ आपको अपने फोन की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ आपके लेक्चर, आपके नोट्स और उन्हीं से आपको करवाता हूँ वन शॉट रिवीजन। सो यार, मैं आ गया हूँ अपने फोन की स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हो, फाइल हैंडलिंग चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सो यहाँ से हमारा वन शॉट रिवीजन रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहे, फाइल सबसे पहले तो फाइल की डेफिनेशन लिखी है। दिस ये पूछी नहीं जाती बट हमें पता होने के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज, हमें मैंने फाइल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फाइल इज अ नेम लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डाटा परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। फाइल हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में सेव्ड वो वाली नेम्ड लोकेशन होती है, मतलब कि ऐसी, अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसी चीज होती है जिसमें कि हमारा सारा नेम लिखा हुआ होता है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है वो सब कुछ बता रखी होती है, जिसको कि हम सेव करके रख लेते हैं ताकि हम उसका बाद में यूज कर सकें। नेक्स्ट यार, हमारे इसमें टाइप्स ऑफ फाइल, मैंने ट्राई किया कि जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से हो सके उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से रखूँ यार, क्योंकि यार जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। इस टाइम पे हमारा फाइनल का टाइम है, यहाँ पे हमें पूरा पूरा लंबे लंबे 1-1.5 घंटे के वन शॉट्स देखने हमारे लिए फिजिबल नहीं है। सो यार, इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपके लिए रखे गए हैं, नोट्स कॉम्पैक्ट इतने रखे हुए हैं, मात्र 3 से 4 पेजेस में आपका पूरा पूरा चैप्टर कवर हो रहा होगा और मात्र 20 मिनट में आपका पूरा पूरा वन शॉट हो जाएगा और पूरा पूरा आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो यार, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक किया नहीं है। समझ रहे हो आप। सो टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। सो यार, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की फाइल होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल वो होती है भैया जो कि आपके टेक्स्ट में, जो कि हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, जिसको कि इंसान समझ सकता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। बट यार वहीं पे हमारा जो बाइनरी फाइल होती है वो हम लोग नहीं पढ़ सकते। और दूसरा पॉइंट क्या आता है, हमारे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल जो होती है वो हमारी, हम स्पेसिफिक कोई एक एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ईजिली किसी भी ओपन हो जाती है। बट यहाँ पे बाइनरी फाइल की हमें स्पेसिफिक किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। समझ रहे हो आप। सो यार, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे, ये हमारी इंफॉर्मेशन ASCII कोड में सेव करती है, या फिर हम कह सकते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स में। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। सो यार, सारे के सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, तो ये सारे नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाओ जल्दी से इन नोट्स को डाउनलोड भी कर लो और साथ साथ ओपन करके वीडियो भी देखते रहो और साथ में इन नोट्स से रिवाइज भी करते रहो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। नेक्स्ट चीज़ यार यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो सारी की सारी लाइन टर्मिनेट होती है तो फिर उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर के यूज़ से होती है, जैसे कि हमारे टेक्स्ट फाइल में स्पेशल यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स। बट यहाँ पे जो हमारा बाइनरी फाइल है, यहाँ पे कोई भी डी लाइन रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट यार, यहाँ पे एग्जांपल्स आपको याद रखने जरूरी है, जैसे कि .py.txt हमारे टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल्स हैं, एंड सेम एट द सेम टाइम बाइनरी फाइल के हमारे इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोई भी, ये सारी चीज़ें हमारी इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट यार, हमारा ओपन करना, ओपन कैसे करता है, फाइल नेम डॉट ओपन, उसके बाद हमारा पैरेंथिसिस। सो यार, बहुत इजी होता है ओपन करने का मेथड। एंड सेम यहाँ पे, जैसे कि फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट में फाइल नेम लिखा, उसके बाद कॉमा एक्सेस मोड करके लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया ओपन करने का तरीका। सो नेक्स्ट, इसमें हमारे क्या क्या चीज़ है, फाइल क्लोज मोड नेम। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे फंक्शन लिखा हुआ है वैसे वैसे, जैसे कि हम अगर ये वाला पहला वाला लिखेंगे, हम कोड क्लोज वाला लिखेंगे, तो फिर हमें बता देगा कि फाइल क्लोज हुई है या फिर नहीं हुई है, ट्रू या फिर फॉल्स में बता देगा। सेकेंड चीज़, हमारे यहाँ पे जब हम मोड लिखेंगे तो फिर हमारा एक्सेस मोड बता देगा कि फाइल को कब ओपन किया गया था। एंड यहाँ पे फाइल नेम से हमें नेम, फाइल का नाम पता चल जाएगा। सो यार, ये सारे तो हो गए इसके कुछ फंक्शंस। नेक्स्ट चीज़ यार, यहाँ पे मैंने आपको फाइल ओपनिंग मोड्स की सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दे दी है, किस किस मोड्स में फाइल ओपन की जाती है और किस किस मोड्स में हम फाइल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यार आर मोड, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड। तो यार यहाँ पे आप सारे के सारे पढ़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डिफॉल्ट मोड जो होता है हमारा आर मोड होता है, आर मोड में हम सिर्फ रीड अगर कर सकते हैं, और बाकी आर बी जो होता है हमारे बाइनरी के लिए होता है, जिस भी में पीछे से बी मिल जाए आपको, मतलब कि वो आपका बाइनरी फाइल के लिए है। नेक्स्ट आपका आर प्लस, आर प्लस में रीड और राइट दोनों होता है। बट यार यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर प्लस जो होता है, यहाँ पे फाइल पॉइंटर जो होता है बिगनिंग से स्टार्ट होता है फाइल की। ठीक है,
नेक्स्ट चीज आपका आरबी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस। तो यार सारे के सारे आप इनके फंक्शंस पढ़ सकते हैं, इनको आपको याद करके रख लेना है, बाकी इनका जहाँ पे भी यूज़ होगा उस हिसाब से आपको इनको यूज़ करना है। ठीक है यार, नेक्स्ट चीज आप इन सबको नोट्स को पढ़ ही सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग अ फाइल। सो फाइल क्लोज करने के लिए हमें फाइल का नाम लिखना है, डॉट क्लोज करके हमारे फाइल को क्लोज कर देना है। अगली चीज़ यहाँ पे हमारी ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज, विद का यूज़ करके। सर विद का यूज़ करके हम एज में लगा सकते हैं, जैसे कि ओपन द फाइल एज दिस विद ओपन फाइल नेम एज फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो ओपन इस तरीके से ओपन करने से क्या होता है, कभी भी अगर हम भूल जाते हैं अपनी फाइल को अपने आप से ऑफ करना या फिर बंद करना, क्लोज करना, तो फिर ये क्या करता है, हमारा कंप्यूटर अपने आप इसमें हमारी फाइल को बंद कर देता है। पाइथन क्या करता है, अपने आप हमारी फाइल को क्लोज कर देगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट चीज़ यार यहाँ पे राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, राइट कैसे करता है, राइट मेथड ऑफ माय ऑप्शन। देखो राइट करने का सिंपल तरीका है, फाइल नेम डॉट राइट और उसका जो भी लिखना है वो लिख दिया। एंड यहाँ पे हमारा पहला जो होता है राइट मेथड होता है, राइट मेथड में हमें क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं एग्जीक्यूशन में वो हमें बता देता है यहाँ पे साथ साथ में। राइट लाइन्स मेथड का क्या यूज़ होता है, यहाँ पे राइट लाइन्स में हमें अपने आप से स्लैश एन जो होता है हमें वो लगाना पड़ता है। सर स्लैश एन का क्या मतलब होता है, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। सो अगर आपको एक लाइन आपकी पूरी हो गया, आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, फिर आपको अपने आप से खुद से ही आपको स्लैश एन करके लिखना पड़ेगा मैनुअली, तब जाके आप क्या होंगे नेक्स्ट लाइन में स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज में आती है हमारी रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल से रीड करने के लिए आपको पहला है रीड मोड, दूसरा है रीड लाइन एंड तीसरा है रीड लाइन। सर तीन टाइप के मोड्स हैं यहाँ पे। रीड मोड में आप जैसे कि हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स, जितना हम लिखेंगे उतना ही आ जाएगा। इफ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन रीड्स द एंटायर फाइल, अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे पूरी फाइल पढ़ता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड क्या होता है, यहाँ पे हमें जैसे कि आपको दिख रहा है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन एन। सर यहाँ पे हम जितने ये सीधा एक लाइन को पढ़ेगा, जैसे कि मैंने पूरी पूरी फाइल लिख रखी है, मैंने रीड लाइन का यूज़ किया तो फिर ये पहली लाइन दे देगा। सेकंड में अगर मैंने जिसको मैं यूज़ किया तो फिर ये सेकंड लाइन देगा जिसको दोबारा यूज़ करने पे। अगर मुझे पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट करानी होगी तो फिर ये रिटर्न्स एम्प्टी स्ट्रिंग आफ्टर एंड ऑफ द फाइल। फाइल एंड होने के बाद ही हमें एम्प्टी फाइल एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता है। देन यार इसमें हमारा लास्ट में रीड लाइन मेथड। रीड लाइन्स में क्या है, हमारा सारे के सारे लाइन्स को एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, देन सेटिंग ऑफसेट्स। ओके सर यहाँ पे देखो, हमारे लिए टेल और एक सीक मेथड होता है, ये हमारा बाइनरी फाइल्स के होता है। इसमें टेल मेथड क्या करता है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल लगाएंगे तो फिर हमें उसकी पोजीशन बता देता है। एंड सीक मेथड क्या करता है, हमें पर्टिकुलर किसी पोजीशन में फाइल को प्लेस करने के लिए होता है, जैसे कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट लिख देंगे तो फिर जैसे कि जीरो का क्या मतलब होता है, बिगनिंग ऑफ द फाइल में, वन का क्या मतलब होता है, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल में, एंड टू का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द लाइन में। सो यार इस तरीके से, ठीक है समझ जाना बस। ओके नेक्स्ट इज पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। सो सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने का मतलब क्या होता है, सीरियलाइज करना मतलब पिकलिंग करना, डीसीरियलाइज करना मतलब अनपिकिंग करना। जैसे कि आप यहाँ पे दिख ही रहा होगा, सीरियलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी टू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, सीरियलाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं पिकलिंग। एंड बाइट स्ट्रीम से हमारा वापस पाइथन ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, अनपिकलिंग या फिर डीसीरियलाइजेशन। पिकल मॉड्यूल हमारा में हमारे दो चीज़ें, एक डंप एक लोड। डंप का क्या मतलब होता है, पिकलिंग के लिए, एंड लोड का क्या यूज़ होता है, अनपिकलिंग के लिए। डंप क्या करता है, पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल, पाइथन ऑब्जेक्ट को राइटिंग डाटा में कन्वर्ट करता है फॉर बाइनरी फाइल। एंड लोड क्या करता है, अनपिकलिंग करता है फ्रॉम फॉर बाइनरी फाइल। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे डंप और लोड को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बता रखा है, इंपोर्ट पिकल करके, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसके किस तरीके से इसका यूज़ करना है आप देख सकते हैं। आप ओपन करो पिकल डॉट डंप। सो यार वही सेम चीज़ है, पिकल डॉट डंप लगा के आप यहाँ पे जिस भी चीज़ को फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल और लिस्ट वैल्यू सारी चीज़ें डंप कर सकते हैं, यहाँ पे लोड कर सकते हैं। सो यार ये था आज के इस नोट्स के। एंड मैंने तो बोला था कि 20 मिनट सीरीज़ है, बट ये सीरीज़ हमारे 7 मिनट्स में कंप्लीट हो चुकी है। सो यार अभी आपको वेट नहीं करना है, अभी आपके लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं, आपके नोट्स बनाए गए हैं, एंड आपके लिए वीडियोज़ भी आई हैं। एंड इस सबके लिए यार आपको एक लाइक तो करना पड़ेगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी आने वाली है फंक्शंस के ऊपर। सो तब तक ले वीडियो से स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, और यार पढ़ते रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।